जय हिंद दोस्तों। हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी ज्ञात पौधों के बीजों के अंदर कोई ना कोई सूक्ष्म जीव जरूर पाए गए हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव इन्हीं के परिवार के बाहर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि बीज से जुड़ने के लिए इन्हें अपने मूल ढांचे में ऐसे परिवर्तन करने पड़ते हैं जिसको मानवों द्वारा करना संभव नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि ये परिवर्तन आज से करोड़ों साल पहले प्रकृति ने ही कर दिए थे, जिसको 1866 में वैज्ञानिक डी बैरी ने एंडोफाइट्स नाम दिए। ये बीज के अंदर होते हुए भी बीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि बीज के लिए उसकी इंद्रियों का काम करते हैं। जैसे वे बीज को बताते हैं कि बाहर का माहौल कब उचित है जमाव के लिए, और जमाव होने पर ये बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाकर पौधों के लिए अनेक प्रकार से काम करते हैं, जैसे खतरनाक बैक्टीरिया के आने का संकेत देना, सुरक्षा के लिए कई एंजाइम और हार्मोन छोड़ना। और ये ऐसे केमिकल और हार्मोन पैदा कर सकते हैं जिनको कुछ हद तक तो हम समझ पाए हैं, लेकिन सबको ना आज तक हम समझ पाए और ना ही कृत्रिम रूप से बना पाए हैं। यानी एंडोफाइटिक बैक्टीरिया से पौधे को संपूर्ण बढ़वार में ऐसी मदद मिलती है जो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन साथ में यह भी सच है कि पैथोजेनिक यानी हानिकारक बैक्टीरिया के कारण फसलों में कई रोग भी लगते हैं, जिससे पूरी फसल खत्म हो जाती है। और आज तक के मानव इतिहास में ना जाने कितनी बार ये भुखमरी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बने हैं। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि बैक्टीरिया पौधों और हमारे जीवन चक्र को हर स्तर पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालते हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इन बैक्टीरिया का अपना कोई जीवन चक्र होता ही नहीं। ये मुख्य तीन अवस्थाओं में रहते हैं, जागृत अवस्था, सुप्तावस्था या फिर मृत अवस्था में। सबसे मुख्य जागृत अवस्था में ये उचित माहौल होने पर रहते हैं, और इस अवस्था में मात्र 15 से 20 मिनट में ये अपनी संख्या को दुगना कर लेते हैं, और इस समय अंतराल को कहते हैं रीजनरेशन टाइम या पुनर्जन्म का समय। लेकिन अनुचित परिस्थितियों में ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं, क्योंकि इनमें एक आवरण या खोल बनाकर अपने आप को सुरक्षित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और आज भी इनके इसी गुण का फायदा उठाकर वैज्ञानिकों द्वारा मदर कल्चर को ठंडा करके संग्रहित रखने का काम किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक ठंडे माहौल में इनके ऊपर आवरण बनाने की क्षमता ज्यादा बैक्टीरिया में विकसित हो जाती है, जिसके कारण ज्यादातर बैक्टीरिया सुप्तावस्था में चले जाएंगे उस भविष्य के इंतजार में जो इनके बढ़वार के लिए अनुकूल होगा। लेकिन ये बैक्टीरिया कितने लंबे समय तक सुप्तावस्था में रह सकते हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वैज्ञानिकों को ध्रुवीय क्षेत्र में ऐसे बैक्टीरिया भी सुप्तावस्था में मिले हैं जो लाखों सालों से अनुकूल परिस्थितियों के इंतजार में अभी तक सुप्तावस्था में थे, और वैज्ञानिकों द्वारा सही परिस्थितियों में लाने पर लाखों साल बाद भी जागृत होकर ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी बैक्टीरिया ये सुप्तावस्था में जाने की ताकत विकसित कर पाए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि अगर करोड़ों बैक्टीरिया में से एक भी सुप्तावस्था में चला गया तो सही परिस्थिति आने पर यह अकेले ही फिर से अपनी प्रजाति की जनसंख्या को करोड़ों तक मात्र कुछ ही घंटों में पहुंचा सकता है। और ये नियम सभी प्रकार के बैक्टीरिया के लिए लागू होता है, इसीलिए इनकी संख्या बढ़ने का ग्राफ पहले सीधे ऊपर जाता है अधिकतम सीमा तक, फिर वहां स्थिर होता है कुछ समय के लिए, और वापस फिर से नीचे आ जाता है। यानी अंत में सिर्फ गिने चुने बैक्टीरिया बचेंगे जो कि सुप्तावस्था में चले जाएंगे अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए। और यही कारण है दोस्तों कि जैविक कल्चर को सालों साल इस्तेमाल में लाया जा सकता है कुछ सावधानियों को ध्यान में रखकर, जिनको आप आगे जानेंगे, क्योंकि बिना इन सावधानियों के अति विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और ये सभी खत्म हो सकते हैं। दोस्तों आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया कुदरत की वो मशीन है जिसके सहारे से प्रकृति हर चीज को नियंत्रित करती है। इनकी संख्या से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करना हम इंसानों के बस की बात ही नहीं। आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन बड़े पैमाने पर इनके लिए कृत्रिम उचित माहौल बनाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आज तक किसी ने नहीं बताया कि ये मशीन यानी बैक्टीरिया तभी काम करेंगे जब ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। यानी जितने भी गुण बैक्टीरिया के बताए जाते हैं वो सिर्फ तभी दिखा सकते हैं जब वे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। यानी आप पहले से कितना भी मल्टीप्लाई करके इनको खेत में डालिए, ये मशीन तभी चालू होगी जब मिट्टी के अंदर सही माहौल बनेगा और इनका मल्टीप्लिकेशन मिट्टी के अंदर होगा। दोस्तों बैक्टीरिया ना किसी के दुश्मन है और ना किसी के दोस्त, ये तो प्रकृति द्वारा निर्धारित स्थानों पर पहले से मौजूद होते हैं और प्रकृति द्वारा निर्धारित काम को करते रहते हैं, और अपनी अद्भुत क्षमताओं के कारण
ये अनंत काल से मौजूद थे और आगे भी अनंत काल तक जिंदा रहेंगे, इसलिए इन पर निरंतर शोध होता आया है। लेकिन पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर भी आज तक मात्र कुछ गिने चुने बैक्टीरिया और फफूंद ही खोज पाए हैं जिनका प्रयोग खेती में किया जा सकता है। और क्योंकि खेती एक मुख्य जरिया है आज के दिन में हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए, इसलिए इसमें प्रयोग होने वाले सभी प्रकार की खाद की जांच जरूरी है। इसलिए हर देश की सरकार अपने यहाँ कोई ऐसी संस्था जरूर बनाती है जो इन पर नजर रखे। इसी प्रकार हमारे देश में कृषि मंत्रालय ने बनाया FCO यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो खेती में इस्तेमाल होने वाले खादों की जांच करके उनको स्वीकृति देगा और तभी वे मान्य होंगे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि FCO ने आज तक मात्र 11 गिने चुने बायो फर्टिलाइजर को स्वीकृति दी है। ये हैं एजोटोबैक्टर, एजोस्प्रिलियम, माइकोराइजा, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, PSB यानी फॉस्फेट सॉल्वलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, ZSB यानी जिंक सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, KMB यानी पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, कैरियर बेस कंसोर्टिया और आखिरी है लिक्विड बेस कंसोर्टिया। इनके अलावा बाकी पर अभी रिसर्च चल रही है और ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो कई निश्चित परिस्थितियों में और निश्चित फसलों पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें स्वीकृति इसलिए नहीं मिली है क्योंकि उनके कई ऐसे भी गुण होते हैं जिससे मानवों, जानवरों या अन्य पौधों पर दुष्परिणाम होता है। इसलिए किसी भी बैक्टीरिया के सिर्फ एक या दो गुणों के आधार पर उसे बायो फर्टिलाइजर नहीं घोषित कर दिया जाता। दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर और जैविक के सिद्धांत पर एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है जिसमें बायो फर्टिलाइजर की जानकारियां मैंने विस्तृत तरीके से दी हैं और इस वीडियो में वो जानकारियां नहीं होंगी क्योंकि एक जानकारी को दोस्तों बार बार देना मुझे सही नहीं लगता। इसलिए इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर OWDC यानी ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर और गौ कृपा अमृतम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये दोनों कल्चर देसी गाय पर आधारित हैं, इसलिए सबसे पहले तो आपको गाय के गोबर और गोमूत्र के बारे में जानना चाहिए कि आखिर क्या वास्तव में गाय के गोबर और गोमूत्र में इतने लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न आज के दिन का यह है कि क्या गाय की नस्ल से भी गोबर और गोमूत्र में अंतर आ सकता है। इन दोनों प्रश्नों के अलग अलग प्रकार के जवाब अलग अलग लोगों ने कई रिसर्च के आधार पर दिए हैं, जिसमें से एक बात तो सच साबित होती है कि देसी गाय के मल मूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या और मात्रा दोनों कम होती है विदेशी गाय की अपेक्षा। लेकिन इसका कारण वैज्ञानिकों के हिसाब से कोई ईश्वरीय गुण नहीं है बल्कि गाय का भोजन है, जिसके हिसाब से शोध में पाया गया कि देसी गाय ज्यादा फाइबर वाले वनस्पतियों को पसंद करती है और विदेशी गाय साधारण तौर पर अनाज वाला चारा पसंद करती है। इसलिए दोनों गायों के मल मूत्र की संरचना में अंतर है। लेकिन अगर देसी गाय को भी ज्यादा अनाज वाला चारा या निश्चित चारा खिलाया जाएगा तो इनके मल मूत्र में भी हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या और मात्रा दोनों बढ़ने लगती है। इसी प्रकार कई रिसर्च खुले अवस्था में रहने वाली गायों पर भी हुए और पाया गया कि अगर गाय खुद की मर्जी से चुनकर खुले में वनस्पतियों को खाती है तो उसके मल मूत्र में सर्वाधिक लाभदायक बैक्टीरिया और फफूंद पाए जाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या सबसे कम होती है। यानी बात साफ है, जैसा गौ माता खाएंगी उसी प्रकार के गुण उनके मल मूत्र में होंगे। और यह तर्क वाजिब भी लगता है सुनने में दोस्तों, क्योंकि प्रकृति ने जिस जीव को खुले में चरने के लिए बनाया हो उसको आप अपने हिसाब से खिलाकर उसके सभी गुणों को पा जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस रिसर्च के आधार पर इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कि गाय की नस्ल कौन सी है अगर दोनों को एक ही प्रकार का चारा खिलाया जाए। दोस्तों, गाय के गोबर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया हैं बैसिलस और लैक्टोबैसिलस और मुख्य हानिकारक बैक्टीरिया हैं इकोलाई और सेल्मोनेला। लेकिन कम मात्रा में इसमें PSB, KSB, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सेलुलाइटिक, लिग्नोलाइटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। इनके अलावा भी अन्य कई लाभदायक फफूंद भी मौजूद होते हैं खुले अवस्था में रहने वाली देसी गायों में। और डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, जो नेशनल काउंसिल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी NCOF के तत्कालीन डायरेक्टर भी हैं, वे इस पर पहले से ही रिसर्च कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी बताया नहीं कि जिस गाय के गोबर से उनको कामयाबी मिली वो गौशाला की थी या खुले में घूमने वाली, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देसी गाय का जिक्र किया है कुछ वीडियोस में। लेकिन तथ्यों को देखते हुए यह बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कोई खुले में घूमने वाली देसी गाय ही रही होगी। दोस्तों, कृष्ण चंद्रा जी ने शुरू में इसे वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से लॉन्च किया था जो जेल के रूप में था, लेकिन इसका ट्रेडमार्क OWDC के नाम से मिल पाया, इसलिए आजकल इसका यही नाम है यानी
ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर। लेकिन जब यह लॉन्च हुआ तो एक क्रांति सी आ गई पूरे जैविक कृषि जगत में, क्योंकि तब तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जिसकी शेल्फ लाइफ 5 साल हो, यानी इसे बिना मल्टीप्लाई किए भी साधारण तापमान पर 5 साल तक रखा जा सकता है। और उस समय पराली की समस्या अपनी चरम पर थी, जिसके कारण सरकार ने इसका इतना प्रचार किया कि आज डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी और वेस्ट डिकम्पोजर को सब लोग जानते हैं। और मैंने अपने पूरे जीवन में किसी उत्पाद को इतनी तेजी से बढ़ते हुए नहीं देखा है। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो भी इस चीज को पाएंगे कि 2015 से 2021 में बायो फर्टिलाइजर के उत्पादन में 552% की वृद्धि हुई। अब इतनी वृद्धि का सीधा मतलब था कि बड़ी कंपनियों का इसमें शामिल होना, लेकिन इसके साथ कई छोटी कंपनियां भी खुली और बायो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में बेहिसाब कॉम्पिटिशन हो गया। अब स्वाभाविक था कि अगर किसी भी व्यक्ति के जिंदगी भर की को दूसरे लोग कॉपी करके बेचने लगेंगे तो उस व्यक्ति को तनाव होगा ही होगा, जिसके कारण डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी बढ़ चढ़कर इसके बारे में बताने लगे। जैसे एक वीडियो में 12 दिन में वे गोबर की खाद बनाने का दावा करते हैं, तो कहीं कच्चा गोबर घोलकर वेस्ट डिकम्पोजर के साथ डालने की सलाह देते हैं। और इस प्रकार के सभी वीडियो लगभग 3 से 4 साल पुराने हैं, लेकिन हजारों वीडियो में से मात्र कुछ वीडियो के गलत बातों के आधार पर किसी वैज्ञानिक के अद्भुत खोज को नकारा नहीं जा सकता, और उन्हें गलत कहना भी इसमें उचित नहीं होगा, क्योंकि इस बात का अंदाजा स्वयं भी उन्हें नहीं रहा होगा कि मात्र कुछ गलत बातों से एक बहुत बड़ी नकारात्मक छवि बन सकती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया अपने चैनल से इस तरह की वीडियो को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आपके चैनल पर सही ज्ञानवर्धक वाली वीडियो कम लोगों ने देखा है, लेकिन इस प्रकार के वीडियो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है, क्योंकि आज भी हमारे कम पढ़े लिखे किसान भाई विज्ञान पर कम और चमत्कार पर ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, मैं खुद OWDC का इस्तेमाल पिछले कई सालों से जैविक खाद और जैविक घोल बनाने के लिए करता आ रहा हूं, और मेरे किए हुए प्रयोगों के हिसाब से वेस्ट डिकम्पोजर को सिर्फ स्प्रे से देने पर यह सबसे कम प्रभावी होता है। और इस पर रिसर्च करने पर इसका कारण यह पता चला कि हवा में या पत्तों के ऊपर खुले माहौल में कोई भी लाभदायक बैक्टीरिया अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते, और जब तक अपनी ये संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया है कि यह मशीन तभी चालू होगी जब मल्टीप्लिकेशन होगा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हवा में जीवित रहने वाले लगभग सारे बैक्टीरिया हानिकारक ही होते हैं, इसलिए हवा को पैथोजेनिक बैक्टीरिया का घर भी माना जाता है। और जितने भी बायो फर्टिलाइजर हैं उनको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक माइक्रो क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, यानी एक सूक्ष्म वातावरण की जरूरत उनको होती है जो पानी में या फिर मिट्टी में ही उन्हें मिल पाता है। इसलिए सभी बायो फर्टिलाइजर का उपयोग मिट्टी में पानी देते समय करने से इसका सर्वाधिक लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्प्रे से इसका कोई लाभ नहीं होता, लेकिन इसका स्प्रे से लाभ समझने के लिए आपको एक प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। दोस्तों, जब आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं तो कल्चर मल्टीप्लाई करते समय जो ऑर्गेनिक एसिड्स या जीवाणु छोड़ते हैं वो इस कल्चर में मौजूद होते हैं, और सिर्फ इन्हीं का तत्कालीन लाभ आपको मिलता है स्प्रे में इस्तेमाल करने से, ना कि उन जीवाणुओं से। लेकिन OWDC अप्रूव्ड बायो फर्टिलाइजर है, जिसका जेल रूप कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया है और तरल रूप लिक्विड बेस्ड कंसोर्टिया है, और इसका टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी द्वारा एक वीडियो में दिखाया गया है, जिसमें ICR की लैब रिपोर्ट दिखाई गई है, और इसके हिसाब से इसके अंदर टेस्टिंग के दौरान ये बैक्टीरिया पाए गए थे। ये हैं एक्टिनोमाइट्स, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइजोबियम फॉस्फेट सोल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सोल्वलाइजिंग बैक्टीरिया और सुडोमनास। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसमें सिर्फ यही बैक्टीरिया थे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जीवाणु भी इसके अंदर मौजूद थे, और इस बात को आप रिपोर्ट में भी साफ देख सकते हैं। और कितने जीवाणु दूसरे प्रकार के थे ये निकालने के लिए आपको टोटल काउंट में से बाकी की मात्रा को घटाना होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में दोस्तों 3 रीडिंग ली गई थी, इसलिए मैंने गणित औसत से किया है और पाया कि 4 दिन बाद वाले रिपोर्ट में सभी बताए हुए बैक्टीरिया का प्रतिशत मात्र 10.19 था, और बिना जानकारी वाले बैक्टीरिया की संख्या थी 89.81%। यानी इस रिपोर्ट के हिसाब से 26 करोड़ 34 लाख जीवाणु कौन से हैं ये जांच ही नहीं हुई। ये आंकड़े चौंकाने वाले थे, इसलिए मैंने फिर से 7 दिन बाद के टेस्ट रिपोर्ट का गणित किया, और मैंने पाया कि 7 दिन बाद वाले रिपोर्ट में खोजे हुए बैक्टीरिया बढ़कर 12.5% हो गए, और अभी भी इसमें अनजान बैक्टीरिया 87.5% थे, और इन अनजान जीवाणुओं की संख्या निकली 32,37,68,000। जी हाँ, 32,37,68,000 ऐसे जीवाणु थे जिन
का किसी को कोई पता नहीं कि ये कौन से जीवाणु हैं। और ये संख्या पूरे 200 लीटर घोल की नहीं बल्कि उस सैंपल की है जिसकी जांच की गई। और यही हकीकत है हमारे सूक्ष्म दुनिया के ज्ञान की सीमा की, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई लैब या इंस्टीट्यूट नहीं है मेरी जानकारी में जो यह कह सके कि मैं सभी प्रकार के बैक्टीरिया की जांच करके बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। क्योंकि ये सभी वैज्ञानिक जानते भी हैं और मानते भी हैं कि सूक्ष्म दुनिया में हमारी पहुंच बहुत ही सीमित है। कुल कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं किसी को नहीं पता, जितनों को हम खोज पाए हैं उनके बारे में भी सब नहीं पता। यहाँ तक कि हमें तो अभी तक खोजे हुए सभी बैक्टीरिया के सामान्य जांच करने के तरीके भी नहीं पता। और एक वैज्ञानिक का पूरा जीवन निकल जाता है किसी निश्चित पौधे को खोजने में, जिसकी मदद से वे किसी एक बैक्टीरिया के गुण को पौधों के ऊपर समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि NCOF सरकार के अनुक्रम के अंतर्गत काम करती है तो इस बात को बिल्कुल माना जा सकता है कि OWDC का परीक्षण अच्छे से हुआ होगा और तभी इसे स्वीकृति मिली होगी। लेकिन गौ कृपा अमृतम रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं और इसके साथ गौ भक्त भी हैं तो आप गोपाल भाई जी की बातों को सुनकर बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकते, क्योंकि वे एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो हम सबके लिए एक आदर्श है। और उनका गौ प्रेम कितना ज्यादा है इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मुझे दिखता है कि लोग गाय को दोबारा अपने घर में लाएं और सम्मान पूर्वक रखें। और उनके जीवन को देखकर लगता है कि इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान देकर सुनेंगे तो पाएंगे कि वे कहते हैं कि गौ कृपा अमृतम कल्चर में देसी गाय के पंचगव्य के साथ 21 औषधियों का भी मिश्रण है, लेकिन सभी औषधियों के नाम कहीं भी नहीं बताए गए हैं। और जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि बैक्टीरिया की जो लिस्ट उन्होंने जारी किया है वो बैक्टीरिया तो गाय के पंचगव्य में है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद उन 21 वनस्पतियों में रहे होंगे। और अधिक रिसर्च करने पर मैंने पाया कि लिस्ट में कई पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, तो कई एनारोबिक बैक्टीरिया हैं और कई बैक्टीरिया तो कुछ ऐसा करते ही नहीं कि उन्हें बायोफर्टाइजर समझने की गलती भी की जाए। बाकी जिनका कुछ योगदान भी है वे ज्यादातर किसी समुद्री पौधे के साथ समुद्र की तलहटी में जाकर काम करेंगे। दोस्तों इनमें से अधिकतर बैक्टीरिया किसी निश्चित परिस्थिति या किसी निश्चित पौधे के साथ ही मिलकर काम करने वाले हैं। और फिर भी गोपाल भाई सुतरिया जी कहते हैं कि उन्होंने मेटाजिनोमिक्स कराई है, RNA DNA एनालिसिस सब कुछ कराया है। इसके साथ हर एक बैक्टीरिया का विभिन्न पौधों के ऊपर संपूर्ण जीवन चक्र को समझा है उन्होंने। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि जो काम पूरे विश्व के वैज्ञानिक नहीं कर पाए वे एक अकेले व्यक्ति के लिए कैसे संभव हो सकता है जो वैज्ञानिक भी नहीं है पेशे से। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि टेस्टिंग की गई तो उसमें कैसे नहीं निकला कि पेनिसिलिन से मधुमक्खियों में रोग होता है, बर्कहोल्डेरिया इंसान और ऊंटों को बीमार कर सकता है, कैंडिडेटस से आलू की फसल में बीमारी होती है, माइक्रोथ्रिक्स पौधों के लिए हानिकारक है, एसिडोबैक्टीरियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, और इस तरह के अनेक अपवाद कई के साथ आपको खोजने पर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि गौ कृपा अमृतम के बॉटल में उनके हिसाब से छेद जरूरी है और लिस्ट में दिखाए गए काफी बैक्टीरिया एनारोबिक है। तो आखिर यह कैसे संभव है कि एनारोबिक बैक्टीरिया पर्याप्त ऑक्सीजन वाले घोल में जिंदा रहे। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये लिस्ट किसी काम की नहीं, और ये मैं अधिकतर के बारे में रिसर्च करने के बाद ही कह रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो ये सब जानकारी आप भी देख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन फिर उनका कहना है कि सिर्फ देसी गाय ही होनी चाहिए, उसमें नंदी महाराज का भी गोबर नहीं होना चाहिए, और यह बिना खुद देसी गाय पाले संभव ही नहीं है, और यही उनका मुख्य उद्देश्य लगता है। हालांकि इतनी ज्यादा मात्रा में कल्चर बहुत कम किसान डालेंगे जैसा गोपाल भाई बताते हैं, लेकिन क्या 2000 लीटर प्रति एकड़ प्रति महीने ऑर्गेनिक एसिड से फसल की जरूरत पूरी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड्स आपके पुराने फिक्स हुए केमिकल फर्टिलाइजर को तत्वों में घुलकर उपलब्ध कराने लगते हैं। और साथ में ऐसे जीवाणु भी होते हैं इस कल्चर में जो मिट्टी में जाकर सक्रिय हो सकते हैं और वो भी तत्वों को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये सॉल्ट खत्म होंगे तो प्रभाव दिखना बंद हो जाएगा, और एक हद से ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड भी मिट्टी में डालने से कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और इस पर भी कई रिसर्च उपलब्ध है जिसमें कई बातें बताई गई हैं। इसके साथ हर हफ्ते या 2 से 3 दिन पर लगातार ऑर्गेनिक एसिड का स्प्रे भी करना है। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक ऐसा किसान हूँ जिसने सब कुछ सच मान लिया है, तो इस विधि से मेरा खर्च कितना होगा ये भी देखना जरूरी है। इसके गणित के लिए मैंने देसी गाय की छाछ की कीमत को 60 रुपए लीटर लिया है, हालांकि ये भी कम ही है, और गुड़ की कीमत को 40 रुपए किलो लिया है। तो इसके हिसाब से 2000 लीटर गौ कृपा अमृत बनाने का खर्चा 2000 रुपए होगा।
यानी 1 रुपए लीटर, और हर महीने आपको कम से कम 4 स्प्रे करना ही है, यानी 1 हफ्ते में 1 स्प्रे, और 1 एकड़ में 10 टंकी दवा लेना है। दोस्तों ये सभी डोज मेरे हिसाब से नहीं, उनके कई वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, और उनके हिसाब से 1 टंकी में 3 लीटर छाछ 3 लीटर कल्चर बाकी 9 लीटर पानी लेना है, यानी प्रति टंकी की लागत लगभग 183 रुपए होगी। तो 1 महीने में 4 बार में 40 टंकी के हिसाब से 7,320 रुपए होंगे, और 4 दिन 1 आदमी का मेहनताना होगा 300 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए, यानी कुल मिलाकर 8,520 रुपए। तो कुल खर्च प्रति महीने प्रति एकड़ होगा 10,520 रुपए। इसके अलावा 4 टन खाद अलग से डालना है, जिसकी कीमत 2.5 रुपए किलो के हिसाब से 10,000 रुपए प्रति साल अलग से आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खाद और फसल को मेंटेन करने के लिए प्रति महीने 10,000 रुपए प्रति एकड़ कोई साधारण किसान लगा पाएगा, क्योंकि इससे कई सारी ऐसी फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, ऐसी फसलों में तो घाटा होना ही होना है। सब्जियों में तो भले चलिए हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन अनाज वर्गीय फसलों में इस तरीके से कैसे फायदा लिया जाएगा अगर लागत ही इतनी है। और जो लोग कहते हैं कि गाय पालकर इसको कीजिए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्या गाय पालना छाछ खरीदने से आसान है? और हर हफ्ते 30 लीटर छाछ की जरूरत का मतलब है हर दिन 4.25 लीटर छाछ, यानी रोज का लगभग 6 से 7 लीटर दूध। अब इतना दूध अगर किसान की खेती में लगने लगेगा तो गाय को किसान खिलाएगा कहाँ से और खुद क्या खाएगा? लेकिन शायद इतना सोचने की किसी को फिक्र नहीं है और ना ही किसी को मतलब है। लेकिन इस गौ कृपा अमृतम का रंग, महक और सफलता की कहानियां कहीं ना कहीं मुझे OWDC की तरफ खींच ले जाती हैं। हालांकि मैं 100% कन्फर्म होकर नहीं कह सकता कि गौ कृपा अमृतम ही OWDC ही है, क्योंकि जब ICR के रिपोर्ट में OWDC में करोड़ों अज्ञात बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो किस आधार पर कोई यह कह सकता है कि उन करोड़ों अज्ञात बैक्टीरिया में ये 100 बैक्टीरिया गौ कृपा अमृत वाले भी हैं? इसलिए बायो फर्टिलाइजर की एक कंपनी दूसरे के ऊपर अपनी खोज को कॉपी करने का दावा ही नहीं कर पाती, क्योंकि इसको साबित करना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन मैं काफी हद तक स्वयं में यह मानता हूँ कि गौ कृपा अमृतम OWDC ही है, और इसके मुख्य कारण है आदरणीय गोपाल भाई सुतरिया जी, क्योंकि इस तरह के लोग कभी किसानों का अहित करने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए भले ही इन्होंने गौ माता की सेवा को बढ़ावा देने के लिए जरूर कुछ झूठ बोला हो, लेकिन बिना टेस्ट किया हुआ यूं ही कोई भी उत्पाद गोपाल भाई पूरे देश में किसानों को बांटे ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि OWDC और गौ कृपा अमृतम एक ही कल्चर है, बस इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, और यही तरीका TCBT वाले भी इसको अपनाते हैं, क्योंकि छाछ में लाभदायक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। दोस्तों आप में से सभी लोग इन जैविक कल्चर का डोज जानना चाहते हैं कि कोई बता दे कि इतना लीटर खेत में डालना है, लेकिन कोई कैसे इस चीज का डोज बता सकता है जिसकी संरचना हर सेकंड बदल रही हो? ये जितने भी डोज जिस किसी ने भी आज तक बताया है, यह सब एकमात्र कोरा अंदाजा है, और आपको भी यह अंदाजा इस्तेमाल करने के बाद आ जाएगा, क्योंकि जब घोल मल्टीप्लिकेशन की अधिकतम सीमा पर होता है उस समय उस घोल के मात्र 1 लीटर में लाभदायक बैक्टीरिया की संख्या किसी पुराने घोल के 200 लीटर के लाभदायक बैक्टीरिया से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या जो हम किसानों के सामने आती है कि इस कल्चर को पहली बार बनाने पर रंग और महक दोनों बहुत शानदार आता है, लेकिन इसी कल्चर के खत्म होने पर दोबारा या तीसरी बार जब हम बनाते हैं तो रंग और महक दोनों बदल जाता है, और इसका मुख्य कारण है एनारोबिक बैक्टीरिया और पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बढ़वार। इसलिए जब भी आपका मुख्य कल्चर मात्र कुछ लीटर्स बचा हो और आपको दोबारा इसे बनाना हो, तो उसे ड्रम से बाहर निकाल लीजिए, ड्रम को अच्छे से साफ कर दीजिए, और इसे किसी अच्छे प्लास्टिक की बाल्टी में आप रखिएगा, और किसी भी हवा फेंकने वाले पंप से, जैसे एक्वेरियम का पंप आता है या साइकिल में हवा भरने वाला पंप हुआ, कोई भी पंप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ताजा हवा या ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। पर अगर आपके पास दोस्तों कोई भी पंप नहीं है तो आप 2 या 3 बाल्टी आवश्यकता अनुसार ले लीजिए, और 1 बाल्टी में आधे कल्चर को भरकर थोड़ी ऊपर से दूसरे बाल्टी में उसको डालिए। ऐसा आपको 5-6 बार करना है, जैसे लस्सी बनाते हैं। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो उसमें घुल जाती है, और जिससे ज्यादातर एनारोबिक बैक्टीरिया मर जाएंगे, और फिर से इस कल्चर को मल्टीप्लाई करने पर आपको पहले जैसा ही रंग और सुगंध मिलने लगेगा। दोस्तों एक नए कल्चर को बनाने के लिए मदर कल्चर, गुड़ और बेसन लगता है, जिनकी मात्रा प्रति 100 लीटर 1-1 किलो होगी, यानी 100 लीटर पानी के लिए 1 किलो गुड़
और 1 किलो बेसन लगेगा। सबसे पहले आपको 10 लीटर पानी में गुड़ और बेसन को पहले घोल लेना है और इसको अच्छे से उबाल लेना है ताकि बेसन हल्का सा पक जाए और गुड़ में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए। अब बाकी बचे 90 लीटर पानी में यह गर्म घोल मिला देना है जिससे पूरा आपका 100 लीटर पानी हल्का गर्म हो जाएगा और तब इसमें आपको कल्चर को मिलाना है। ऐसा करने से बैक्टीरिया जल्दी सक्रिय हो जाते हैं और अपने जागृत अवस्था में आकर अपनी संख्या को तुरंत बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, हमने जो 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन इसमें डाला है, ये 100 लीटर कल्चर के जीवाणु को लगभग 1 महीने तक भोजन और माहौल प्रदान कर देता है। लेकिन 1 महीने के बाद इन लाभदायक जीवाणुओं की संख्या घटने लगती है और हानिकारक बैक्टीरिया जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया और पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसमें बढ़ने लगते हैं। इसलिए आप चाहे किसी भी स्तर पर इसको बना रहे हो, लेकिन 1 महीने के अंदर इसको खत्म कर लेना चाहिए और फिर से दोबारा बना लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से और कल्चर कई महीने पुराना हो गया है, तो अगली बार आपको नए कल्चर से घोल को बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए ऑक्सीजन डालने वाले जुगाड़ को अपनाते हैं, तो मैंने पाया है कि 3 महीने बाद भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद मल्टीप्लाई करने पर वही रंग और वही महक उसमें आ जाती है। लेकिन 6 महीने पुराने कल्चर के साथ जब मैंने वही क्रिया की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रंग और महक काफी अलग था। इस विषय में डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी भी यही कहते हैं कि अगर कल्चर से नाली के कचरे जैसी या सड़ने की बदबू आ रही हो, तो आपको उसको फेंक देना चाहिए और कल्चर दोबारा बना लेना चाहिए। लेकिन गोपाल भाई के अनुसार ये कल्चर कभी खराब ही नहीं होता, हालांकि ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। दोस्तों, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, एक किसान हूँ, इसलिए मेरे पास सीमित संसाधन है और हो सकता है कि कुछ गलतियां मेरे प्रयोग में या मेरी समझ में हो गई हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा आपकी मदद करना ही होता है, इसलिए गलतियों को माफ कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है। बाकी यूं ही कुछ नया और अच्छा इस चैनल पर आपको हर उपलब्ध वीडियो में मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे दूसरे किसानों तक भी पहुंचाइएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी जानकारियां दूसरे किसानों के भी काम आएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।